Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala habibihi al-Mustafa amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin ma'adanil judi wal karam. Wa alihi wa ashabihi al-kirami ibnihi al-karimi wa barik wa sallim salatan da'imatan sarmadan abada. Bihamdi ta'ala wa bakarami Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Aaj ki shab Quran azim ke 8.5 paare mukammal ho chuke. Allah azza wa jal mukammal Quran azim ko sahi tajweed se padhne aur aap sab ko samaat karne ki taufeeq ata farmaye. Surah A'raf आज तिलावत हुई है और सूरह अनआम का कुछ हिस्सा. आठवें पारे में जो ख़ास सूरह आराफ में ज़िक्र आया है वो इंसान की तख्लीक का ज़िक्र, यानी सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो बनाया यानी सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को, उसका ज़िक्र आया है. अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुरान में, वलकद खलकनाकुम थुम्म सवरनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया और फिर अच्छी सूरत भी दी. और सिर्फ पैदा करके अच्छी सूरत ही नहीं दिया बल्कि कुरान में मौला फरमाता है, थुम्म कुलना लिल मलाइकति इस्जुदु लिआदम, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो. ये तख्लीक की जो इब्तिदा है इसके मुतालिक जो रिवायात मिलती हैं तफासीर में, चंद बातें मैं अर्ज़ करता हूँ. आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को जब पैदा करना अल्लाह तबारक व ताला ने इरादा फरमाया तो फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों से यूँ कहा कि मैं ज़मीन में अपना एक नायब बनाना चाहता हूँ, अपना खलीफा. अब अंदाज़ा करें, इंसान को अल्लाह ने अपना खलीफा फरमाया, नायब किस बात का? खलीफा क्या होता है? यानी अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम को ज़मीन पर नाफिस करने वाला, इसी को खलीफा कहेंगे. खलीफा का मतलब वो मत समझो आप जो पीर साहब के खलीफा होते हैं. अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा के मुताबिक इस ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारने वाला और अहकाम इलाहिया को ही नाफिस करने वाला वो खलीफा है ज़मीन पर. तो फरिश्तों से जब अल्लाह ने ये फरमाया तो फरिश्तों ने कहा क्या रब, तो ऐसे को अपना खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में जाने के बाद कत्ल व गारत करेगा, खून रेजियाँ करेगा, फसाद करेगा. हम तो तेरी अच्छी तस्बीह करते हैं, हम तेरी पाकी बोलते हैं, तेरी इबादत तो हम पूरी करते हैं, तो इंसान को अपना नायब और खलीफा कैसे बनाएगा? रब तबारक व तआला ने फरमा, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते. यहाँ से कुछ बातें समझ में आती हैं. फरिश्तों को कैसे पता था कि ज़मीन पे जाने के बाद ये खून रेजी करेगा, फसाद करेगा? लोग तो रसूल के इल्म गैब का इनकार करते हैं, वो तो फरिश्तों की बात है. अभी इंसान को बनाया भी नहीं है, ज़मीन पे भेजा भी नहीं है, उससे पहले ही फरिश्ते कह रहे हैं कि ऐसे को तो खलीफा बनाएगा जो ज़मीन में जाने के बाद फसाद मचाएगा, कत्ल और खून रेजी करेगा. साफ अल्फाज हैं कुरान पाक में. मेरे अजीज़ों, फरिश्तों ने जिन्नात के हालात को देखा था, पहले जिन्नात बनाए गए थे, ज़मीन पर भेजे गए थे, उन्होंने खूब फसाद मचाया, यहाँ खूब कत्ल खून रेजियाँ की, फिर ज़मीन से उन्हें जज़ीरों की तरफ भगाया गया. तो तफसीर में कहा गया उन वाकयात को देखकर शायद फरिश्तों ने अर्ज़ किया हो. और बाज़ ने फरमाया इतना गैब का इल्म तो अल्लाह ने फरिश्तों को भी दिया कि इंसान की वो फितरत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने यूँ कहा. अब अल्लाह तबारक व ताला ने जो फरमाया, मैं जो जानता हूँ वह तुम नहीं जानते, यकीनन हक है. फिर आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का काम शुरू हुआ. कैसे? फरमाया गया ज़मीन की मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी उठाने का हुक्म दिया गया.
ज़मीन की अलग अलग जगह की मिट्टी उठा लाएँ। कई रिवायात है इसमें, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, ज़मीन की अलग अलग जगह से मिट्टी वो जमा कर रहे थे, तो ज़मीन ने भी रोना शुरू किया कि मुझसे मिट्टी ले जा रहा हूँ, इसे इंसान बनाया जाएगा, फिर ये वापस आएगा मेरे ही ऊपर फसाद करेगा, खून रेजियाँ करेगा। पता चला ज़मीन को भी मालूम है, ज़मीन को भी मालूम है बाद में होने वाली चीज़ें। तो जब ज़मीन ने रोना धोना किया, तो ये रिवायात बाज़ तफासीर में है। मैं सिर्फ आपको इसके सेहत और ज़ौफ़ पर कलाम नहीं कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम वापस रब ताला की बारगाह में आए, अर्ज़ किया कि मुझे ज़मीन पर बड़ा तरस आया, ज़मीन पर बड़ा रहम आया, वो मिट्टी छोड़ आए। इसी तरह कई फरिश्ते आए, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, ज़मीन का वही रोना धोना था। फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम आए, जब ज़मीन ने उनसे ये कहा कि क्यों उठा ले जाते हो, तो उन्होंने ज़मीन के रोने धोने का कुछ ख्याल नहीं किया, वो जगह जगह से मिट्टी उठा लिया और रब की बारगाह में लेकर पहुंच गए। मिट्टी लाई गई मुख्तलिफ जगहों की, अब उसे गूंधा गया, मिट्टी को गूंधा गया। वो पानी क्या था वो अल्लाह बेहतर जाने, जन्नती पानी था। मिट्टी को जब गूंधा गया, ये पूरा प्रोसेस कुरान में बयान किया गया है और बाज़ अहादीस में भी है। गूंद करके जब उसको तैयार किया गया, पूरा एक पुतला, एक शक्ल बन गई, एक शक्ल बन गई, तो अब उसे सुखाया गया। कुरान में ये भी फरमाता है रब ताला, वलकद खलकनल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, यानी बजती हुई मिट्टी जो होती है ना, मटका जैसे टक टक आवाज आए, बजती हुई मिट्टी से हमने इंसान को बनाया। जब पूरा पुतला तैयार हुआ, फिर उस पर बारिश बरसाई गई, उस पर 40 दिन तक बारिश बरसाई गई मजबूत करने के लिए। अब उस पुतले पर जो बारिश बरसी, उसके बारे में बुजुर्गों ने फरमाया, 40 दिन की बारिश में 39 दिन तक गम की बारिश हुई, एक दिन खुशी की बारिश हुई। इसलिए इंसान की ज़िंदगी में गम ज़्यादा है, खुशियाँ कम हैं। ईद तो साल में एक ही बार आती है, खुशियाँ कम हैं, गम ज़्यादा है। तो ये 40 दिन की बारिश के बाद, अब जब इस पूरी शक्ल को अल्लाह तबारक व ताला ने तरतीब दिया, हाँ एक बात ये भी मैं बता दूँ, अल्लाह तबारक व ताला कादिर मुतलक मुसब्बिबुल असबाब, जब वो दुनिया की तख्लीक पर आए तो कुन कहे तो सब हो जाए, कुन फयकून कुरान में, वो रब ताला फरमाता हो जा तो सब हो जाती, हो जा। जमीन को उसने कहा हो जा तो जमीन बिछ गई, ऐसा नहीं कि अलग अलग बेड डाला गया हो कहीं से। रब तबारक व ताला वो कादिर मुतलक है, कुन से सारी चीजों को वजूद में ले आए। लेकिन इंसान को जो बनाया गया, यहां पर भी हो सकता है कह दिया जाए हो जा तो हो जाता, तैयार हो जाता, लेकिन बाज़ाब्ता एक प्रोसेस से इसे गुजारा गया है, ये इसकी शान के लिए। अच्छा ये तो मुझे नहीं मालूम, हाथ बनाए गए, पैर बनाए गए, पेट बनाया गया, गर्दन बनाई गई, सब कुछ तो शक्ल दी गई है ना, फरिश्तों के ज़रिए से दी गई है। लेकिन फरमाया गया इंसान के चेहरे को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, इसीलिए चेहरे को ऐब मत लगाओ किसी, ये अल्लाह की तख्लीक है, अल्लाह की तख्लीक है। तुम गालियां देने में ऐसे ही कह देते हो कि टेढ़े चेहरे वाला, हाँ नक्कटा कनकटा, ये सब अल्फाज ऐसे हैं जो अल्लाह की तख्लीक को तुम गाली दे रहे हो। चेहरे को ऐब लगाना अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं, अल्लाह की तख्लीक है। और ये मुख्तलिफ जो रंगों के लोग पैदा हुए, ये मिट्टी की वजह से है, ज़मीन की मिट्टी कहीं की लाल है, कहीं की काली है, कहीं की पीली है, कहीं की सफ़ेद है। तो जिसके खमीर में, यानी जिस तरह की मिट्टी ज़्यादा असर कर गई, वो रंग वो लेकर के आता है। इंसानों में भी कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ लाल हैं, कुछ सांवले हैं, अलग अलग शक्लें हैं।
और अलग अलग ये रंग जो है ये मिट्टी की वजह से है, मिट्टी की खासियत जिस पर जैसी होगी उस तरह का वो रंग ले आएगा। हाँ, इसीलिए इस पर सब्र भी कर ले जाओ जो रंग तुम्हारे पास है, कि ये हमारी खमीर में है, यानी हमारी सरिश्त में इसको दाखिल किया गया इस रंग को। यानी अगर किसी के कंटेंट में, मैन्युफैक्चरिंग में ही वो चीज़ आ गई हो, तो बाद में पाउडर लाली लगाने से क्या होने वाला है। लिहाजा इस बात की फिक्र में मत रहो काले हैं तो मैं गोरा हो जाऊं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखा है अंग्रेजों को, वो नमक वाली मिट्टी लगाकर समंदर के किनारे नंगे सोते, थोड़ा काले होने का शौक है उनको, थोड़ा काले होने का शौक है क्योंकि उजले ज्यादा है, और इधर कालों को गोरे होने का शौक ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ये किसी चीज में इंसान कनाहत नहीं करता, इसे सब्र नहीं है, किसी चीज पर ये राजी नहीं है। तो बहरहाल इस बात पर राजी हो जाओ कि मेरे मौला की तखलीक है ये, और उसने जैसा पसंद किया वैसे मुझे बनाया, बस इस बात पर सब्र आ जाएगा। कोई भी अपना चेहरा आईने में देखे तो दुआ भी मेरे आका ने क्या सिखाई पता है, दुआ भी, चाहे काले आदमी हो गोरे आदमी हो किसी भी तरह के हो, एक ही दुआ हुजूर ने तालीम दी, एक ही दुआ, आईना देखो तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा हसन तखल्की फहसन खुल्की, ऐ अल्लाह तूने मेरा चेहरा कितना अच्छा बनाया है, मौला इसी तरह मेरे अखलाक भी अच्छे बना थे। ये दुआ हुजूर ने फरमाई। तो क्या काला आदमी ये देख करके दुआ नहीं करेगा, सांवला नहीं दुआ करेगा, हर आदमी यही दुआ करेगा कि ऐ अल्लाह तूने मेरा चेहरा कितना अच्छा बनाया, कितना अच्छा बनाया। हाँ, दुआ यही किया करो कि अल्लाह ने सबके चेहरे अच्छे बनाए, तुम्हें अंदाजा नहीं है। और चेहरे को ऐब लगाना इतना गुनाह है, मैं आपको बताऊं, आपकी कैफियत जो है ना, आपकी कैफियत, आप इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं जिसका आपको खुद को अंदाजा नहीं है। खलीफा हारून रशीद ने अपनी बीवी से, एक दिन रात में चौदहवीं का चांद चमक रहा था, बाहर ये लोग रात में सोए हुए थे, बादशाहों को ऐसी कभी ना कभी शरारत सूझती है, कह दिया कि बेगम अगर तू ये चौदहवीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं निकली तो तुझे तलाक। अगर बीवी उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं निकली तो तुझे तलाक, आप ये जुमला ना कहें। वो खलीफा था, वो बादशाह था, उसने कहा अब तलाक का लफ्ज ये मामूली नहीं, ये गाली नहीं है, ये गोली है। हाँ, बाज लोग ये समझते हैं गाली देने के लिए बीवी को तलाक कहा है, मियाँ गाली नहीं है ये, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। दूसरे दिन ये मसला उठा, मलिका ने, बेगम ने मसला रखा कि आखिर मेरी तलाक हुई या फिर मैं निकाह में हूँ, ये कैसे पता चलेगा कि मैं चांद से ज्यादा खूबसूरत हूं कि नहीं, ये कौन बताएगा। तो बहुत सारे उलमा इस बहस में मशगूल हो गए, सबों को आजीजी आ गई। बड़े फकीह थे उस जमाने में, एक बहुत बड़े फकीह, उनके पास जब ये मसला पहुंचा, गालिबन इमाम शाफई रहमतुल्लाह, तो उनके पास ये मसला पहुंचा, तो ये जो बड़े फकीह थे उन्होंने पूछा कि क्या मसला है, कहा कि ऐसे ऐसे खलीफा हारून रशीद ने कहा है। तो उन्होंने पूरा मसला सुनने के बाद कहा जाओ तलाक नहीं हुई, कहा वो कैसे, कहा इसलिए कि जुबैदा ही नहीं, बहुत सारे लोग चांद से ज्यादा खूबसूरत हैं, क्यों, कहा कुरान में अल्लाह ने फरमाया लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, हमने इंसान को सबसे आला सूरत में पैदा किया है। सबसे आला का मतलब वो चांद से भी आला, चांद से भी हसीन पैदा किया है, तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने चांद से भी ज्यादा आला सूरत अता किया है। लिहाजा चेहरों को ऐब लगाना छोड़ दो और अल्लाह तबारक ताला की रजा पर राजी रहो। चेहरे की तखलीक किसने किया, वक्त से बाकी पूरे इंसान की तखलीक अल्लाह ने किया, लेकिन खास चेहरे को अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया। अब आगे की बात सुने, पूरा इंसान तैयार हुआ,
इसमें रूह फूंकी जानी थी। इस इंसान को बोलता हुआ चलता हुआ और रूह वाला बनाना था। तो फरमाया गया कि उनके पेशानी पर, उनकी नाक से रूह को डाला गया। रूह क्या चीज है? रूह को देखा आपने? रूह को देखा है? हाँ, इस मसले में तो सारी दुनिया आज भी परेशान है। कुरान में भी ये सवाल किया है, सहाबा ने आकर सवाल किया था और अल्लाह ने जवाब भी दिया। आज दूसरी कौमों वाले भी इस बात को मानते हैं कि आत्मा एक निराकार होती है, यानी दिखती नहीं है, रूह दिखती नहीं है, लेकिन है क्या चीजें? तो रब तबारक व तआला ने फरमाया, यसअलूनक अनिर रूह कुलिर रूह मिन अमरि रब्बी। ऐ महबूब, आपसे लोग रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप फरमा दें रूह अल्लाह का एक हुक्म है, ये नूर है। जिस तरह रोशनी फैली हुई है, पकड़ में नहीं आती और पता नहीं चलती, रूह इसी तरह एक नूर है। जब इस रूह को उस जिस्म में डाला गया तो बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया कि रूह बाहर निकल आई। कहा कि अंदर बहुत अंधेरा है, अंदर मिट्टी का बना हुआ इंसान अंधेरा बहुत है, रूह नूर है, मिट्टी में अंदर अंधेरा है। तो फिर दोबारा डाला गया, फिर वो रूह करार नहीं पाई, बाहर निकल आई। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं फिर आदम अली सलाम की पेशानी पर नूरे मोहम्मदी को रखा गया। अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को आदम अली सलाम की पेशानी में वदियत फरमाया, फिर रूह को डाला गया। अब रूह जाकर जिस्म में करार पाई और फिर आदम अली सलाम को सबसे पहले एक छींक आई, और छींक आते ही सबसे पहले आपकी जुबान से एक जुमला निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंसान की जुबान से निकलने वाला सबसे पहला लफ्ज है, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी छींकते हैं तो हम क्या कहते हैं? ये आदम अली सलाम की जुबान से निकलने वाला पहला जुमला। लेकिन कमाल तो देखें, रब ताला ने अपना आखिरी कलाम कुरान अपने हबीब पर उतारा भी है तो इसकी इब्तिदा भी कहां से फरमाया? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान की इब्तिदा कहां से है? अल्हम्दुलिल्लाह से है। तो इंसान को यह बताना है कि ए बंदे, तेरी जो असल इब्तिदा है वो अल्हम्दुलिल्लाह से है, जहां कुरान इब्तिदा कर रहा है, और कुरान के साथ रहेगा तो तू हकीकी जिंदगी पाएगा। अब आदम अलैहि सलाम जब बेदार हुए तो अब सुनिए अल्लाह ताला ने क्या किया। रब तबारक व ताला उनके सामने दुनिया की सारी चीजों को पेश किया, जो जो होने वाली थी या जो कुछ भी, सबके नाम सिखा दिए। वअल्लम आदम अलअस्मा अकुल्लहा, सब चीजों के नाम आदम अलैहि सलाम को सिखा दिए। दरख्त, पौधा, फल, फूल, जमीन, आसमान, चांद, तारे, समंदर, मछलियां, जिन्नात, इंसान, हर एक चीज का नाम, जो भी दुनिया में चीजें हैं सबके नाम आदम अलैहि सलाम को सिखा दिए। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, सब चीजें का मतलब क्या है? सब आ गया ना, हमारे भी नाम सिखाए होंगे अल्लाह ने, तुम्हारे भी नाम सिखाया। अब मसला ये था कि फरिश्ते जो पूछ रहे थे ना, ऐसे को क्यों खलीफा बनाएगा, अब फरिश्तों को अल्लाह ने बुलाया, आओ। फिर ये दुनिया की चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया गया, बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? नई नई चीजें फरिश्तों के सामने पेश की गई तो फरिश्ते कहने लगे, कालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, मौला हमको तो इतना ही मालूम जितना तूने सिखाया, ये सब चीजों का तो इल्म नहीं है, हमें पता नहीं है। तो फिर आदम अली सलाम से कहा गया, आदम तुम बताओ, अम्बी ओहम भी अस्मा इहिम, आदम इनको ये सब चीजों के नाम बताओ। आदम अली सलाम ने नामों की इब्तिदा जो की, हदीस में है, मौजूद है तफसीर में, सारी दुनिया की चीजों के नाम आदम अली सलाम ने फरिश्तों के सामने बता दिए। जब सारी चीजों के नाम बता दिए तब फरिश्तों को हुक्म हुआ, अब आदम को सजदा करो। आदम अली सलाम के सामने सारे फरिश्ते झुक गए, सजदे में चले गए। लेकिन एक बात बता दूं, ये सजदा ताजीम का था, इबादत का नहीं।
इबादत का सजदा किसके लिए है? सिर्फ अल्लाह के लिए। सुन्नी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज है? नहीं जायज, सिर्फ सजदा अल्लाह का है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा कराया गया था वो ताजीम का सजदा था, उनके इल्म की ताजीम। अब हुक्म जो हुआ है वही कुरान में आज हमने पढ़ा है, अल्लाह ने फरमाया सबके सब सजदा करो, सब सजदे में चले गए। पता है एक था इबलीस जो गुरूर की वजह से सजदा नहीं किया, खड़ा रहा। इबलीस कौन है? ये शैतान जिसका नाम अजाजील, ये कौन है? फरिश्तों को तालीम देने के लिए इसको मामूर किया गया था, इसको मुअल्लिमुल मलाइका कहते हैं। बाजों ने इसको फरिश्तों में शुमार किया लेकिन मुफस्सिरीन की अक्सर राय यह है कि वो जिन्नात में से था। इबलीस किस में से था? जिन्नात में से था, लेकिन फरिश्तों के साथ रहता था इसलिए हुक्म उसे भी था, हालांकि वो अल्लाह की बहुत इबादत किया है, बहुत इबादत, इतनी इबादत किया है कि उसके सजदे अगर जमीन पर फैला दिए जाएं तो एक राई के दाने के बराबर भी जगह खाली नहीं होगी, इतने सजदे अल्लाह के कर चुका, लेकिन उस वक्त सजदा नहीं किया। तो रब ताला ने सवाल फरमाया, قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك, तू सजदा क्यों नहीं किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? قال انا خير منه, कहने लगा ऐ मौला मैं उससे बेहतर हूं, आदम से मैं बेहतर हूं। खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया है और उसे मिट्टी से बनाया है। आग बुलंद रहती है, मिट्टी नीचे रहती है, बुलंद आदमी नीचे वाले को सजदा कैसे करे? हाँ यही गुरूर है। अब इससे पता चला कि कायनात का सबसे पहला गुनाह वो तकब्बुर है, गुरूर, घमंड, मैंपन, कि मैं ये हूं उसके सामने क्यों झुकूं। ये इबलीस की यहीं से खसलत शुरू हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया तूने आदम को देखा लेकिन ये नहीं देखा कि हुक्म मेरा था, हुक्म अल्लाह का था। फखरुज मिनहा फइन्नक रजीम, आज से तू हमारे दरबार से निकल जा इसलिए कि तू मरदूद हो गया, रांदे बारगाह, हमेशा के लिए उसको मरदूद करार दे दिया गया। ये वाकया मैं बता रहा हूं आपको, ये आज सूरह आराफ के शुरू में ही आया। तो इबलीस ने कहा ऐ अल्लाह तूने मुझे निकाल दिया अपने दरबार से, फरिश्तों की जमात से, अंदरनी इला योमी उबासून, बस मुझे कयामत तक की मोहलत दे दे बस। रब ताला से डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, अल्लाह से चैलेंज कर रहा है, मुझे तू टाइम दे दे बस, क्या करेगा? कहता है قال ربي بما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم, बस तू मुझे टाइम दे दे, कयामत तक तेरे जितने बंदे आएंगे मैं सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين, कहता है मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, जो भी उस रास्ते से गुजरेगा कभी मैं उसके सामने से आऊंगा, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, किसी न किसी तरह उसको उस रास्ते से मैं हटा दूंगा। ऐ रब तेरे बंदों में तू शुक्र करने वाले नहीं पाएगा, अल्लाह को ये चैलेंज कर रहा है। दूसरी आयतों में ये तक कहा उसने قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين, तेरे इज्जत की कसम ऐ अल्लाह, इज्जत उसके भी मालूम है अल्लाह ताला, और कसम भी अल्लाह की इज्जत की खा कर कह रहा, तेरी इज्जत की कसम मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करूंगा, सारे बंदों को गुमराह करूंगा। रब ताला से चैलेंज किया, रब ने फरमाया قال انك من المنذرين, जा तुझे टाइम दिया जाता है, मोहलत है तुझे, जितना टाइम चाहिए पूरा ले ले। टाइम ही नहीं ताकत भी दे दी गई, कुव्वत भी दे दी गई, दुनिया में जितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाना है सब तुझे दे दिया गया, जा बहका ले। कितनों को बहकाता है? इन इबादी लैस लक अलैहिम सुल्तान, अल्लाह फरमाता है तू पूरी कोशिश कर ले, मेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन पर तेरा दाव नहीं चलेगा।
नहीं चलेगा, तेरा दांव नहीं चलेगा। रब ताला ने भी फरमाया तू पूरी कोशिश कर ले, लेकिन तेरा दांव मेरे कुछ बंदों पर नहीं चलेगा। वो कौन से बंदे हैं? उन बंदों के बारे में इबलीस भी मान गया, शैतान भी माना, कहने लगा हाँ हाँ है तेरे कुछ बंदे। वो कौन है? इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसी, ये वो बंदे। हाँ मौला तेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे जिन पर मेरा दाव नहीं चलेगा। वो कौन है? वो बंदों की जमात को मुखलिसीन की जमात कहा जाता है, कि वो अगर इबादत करते हैं तो ना इधर देखते ना उधर देखते हैं, वो खालिस तेरी रजा के लिए करते हैं। तो जो लोग दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए नेक काम करते हैं, यकीन के साथ मैं कहता हूं उन पर शैतान का दाव भी नहीं चलेगा। शैतान उन लोगों को नहीं गुमराह करेगा। मुखलिसीन की जमात, मुखलिसीन कौन है मेरे अजीजों? दिखावे के लिए करने वाले मुखलिसीन नहीं, अपने रब की रजा के लिए। यहां पर एक रिवायत मिलती है, कयामत के दिन, कयामत के दिन जन्नतियों का जब इंसाफ हो जाएगा ना, पूरे जन्नती एक तरफ होंगे, उन जन्नतियों में भी तीन कैटेगरी हैं, जन्नतियों में भी तीन जमातें हैं। एक जमात अल्लाह ने उनसे फरमाया क्या है, बंदो तुम्हारी बख्शीश हो गई, तुम्हारे लिए जन्नत का परवाना मिला, तुम जन्नत जा रहे हो, ये बताओ तुम जन्नती अमल क्यों करते थे दुनिया में, तुम नेक काम क्यों करते थे? आज जन्नत तुम्हारे लिए हो गई ना, पास हो गए, पास होने के बाद पूछा जा रहा है। तो वो जमात कहती है मौला हमें तेरी दोजख से बहुत डर लगता था, बहुत डर लगता था उसके होलनाक अजाबा, और तेरी दोजख से डर करके हम नेक काम करते थे। अल्लाह फरमाता है ठीक है मैं तुमसे राजी हो गया, तुम जन्नत में जाओ। दूसरी जमात उनसे पूछा जाएगा तुम क्यों करते थे, ये सेकंड कैटेगरी है जन्नतियों की, तुम क्यों नेक काम करते थे, तुम भी पास हो गए। वो कहेंगे मौला कुरान में और हदीस में तेरे रसूल से हमने जन्नत की इतनी नियामतों का जिक्र सुना था, वहां के महल्लात, वहां की खुशबुएं, वहां की हूरें, वहां के गिलमाल, तो शौक था कि जन्नत में जाएं इसलिए नेक काम करते थे, तेरी जन्नत की ख्वाहिश ने हमसे नेक काम करवाए। रब ताला फरमाता है जाओ तुमसे राजी और तुम्हारे लिए जन्नत है, चले जाओ। तीसरी एक जमात होगी जन्नतियों की, ये लास्ट कैटेगरी है, उनसे पूछा जाएगा मियां आप भी पास हो गए जन्नत में जा रहे हो नेकियों की वजह से, तुम क्यों नेकियां करते थे? वो कहेंगे कि मौला हम न जन्नत के लिए करते थे न दोजख के लिए, हम तो खालिस तेरी रजा के लिए करते थे, तू राजी हो जा, बस हमारा मकसद इतना था। तो रब ताला फरमाएगा जाओ मैं तुमसे राजी हो गया और जन्नत में जाओ। वो जमात खड़ी हो जाएगी नहीं 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 जन्नत में नहीं जाना है, अगर जन्नत में जाएंगे तो फिर बदला हो जाएगा, मुआवजे के तौर पर हो जाएगा, फिर हमको अंदर जाने के बाद दूसरे लोग ताना मारेंगे तुम भी जन्नत के लिए करते थे वहां बोले कुछ और हो, हम नहीं जाएंगे जन्नत में। रब ताला फिर दोबारा फरमाएगा क्या है मोमिनो मैं तुम सबसे राजी हूं, तुम मेरी रजा के लिए कर रहे थे मैं राजी हुआ, जाओ जन्नत में। वो कहेंगे मौला नहीं जन्नत में जाएंगे तो फिर ये मसला आ जाएगा कि तुम जन्नत के लिए किया करते थे, हम तो तेरी रजा के लिए करते थे। यहां तक कि रिवायत में फरमाया गया फरिश्तों को हुक्म होगा कि इनको बेड़ियां पहना और खींच के जन्नत में ले जाओ। ये मुखलिसीन की जमात थी, ये लालच में इबादत नहीं किए और ना ही डर करके किए, ये खालिस अल्लाह की रजा के लिए। और इसी जमात के बारे में शैतान भी कहता है इन पर मेरा दाव नहीं चल सकेगा, इन पर मेरा हरबा नहीं चल सकेगा। इसलिए मैं मोमिनों से गुजारिश ये करता हूं कि आमाल में इखलास पैदा करो, इखलास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए, ना किसी को डर कर ना किसी के लिए, इबादतें नहीं अल्लाह के लिए, तुम अपनी आखिरत को सोचो। मैं एक बुजुर्ग के मुतालिक पढ़ा था, 30 साल तक उन्होंने पहली सफ में नमाज अदा की जमात के साथ, एक नमाज भी नहीं छूटी, तकबीर ओला भी नहीं छूटी 30 साल तक। तवज्जो चाहता हूं,
30 साल तक एक नमाज में एक जमात नहीं छूटी और पहली तकबीर भी नहीं छूटी, पहली सफ में खड़े रहते थे। 30 साल के बाद एक दिन मगरिब में आए तो एक रकात हो गई। 30 साल के बाद ऐसा मौका आया, पीछे रह गए। तो फिर जब आए देखा कि सफ़ें तो लग गई हैं, पीछे जगह मिल रही थी, तो उन्होंने शर्म के मारे, डर के मारे, सब लोग क्या कहेंगे अभी 30 साल से जिसकी जगह पक्की है, आज तो है नहीं, छूट गया पीछे, तो पीछे से ही घर चले गए। घर चले गए, घर में जाकर नमाज पढ़ लिया। ईशा में इस डर से नहीं आए कि सब लोग सवाल करेंगे मगरिब में कहाँ थे, कहाँ थे, कहाँ थे। तो उस ज़माने में एक बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने पूछ लिया कि फलां साहब जो रहते थे पहली सफ में, जिनका रिकॉर्ड था 30 साल का, वो कहाँ हैं। कहा कि हुजूर पता नहीं, मगरिब में भी नहीं आए, ईशा में भी नहीं आए। कहा कि चलो देख लेते हैं, कहीं बीमार तो नहीं हो गए, कुछ तो हुआ नहीं तकलीफ। गए तो घर में बैठे हुए थे, पूछा कि क्या बात है, मगरिब में भी नहीं, ईशा में भी नहीं। कहा मगरिब में आया था लेकिन एक रकात हो गई थी, मैं शर्म के मारे पहली सफ में नहीं आया, पहली सफ में जगह नहीं मिल रही थी, शर्म के मारे मैं पीछे नहीं खड़ा हुआ कि लोग क्या कहेंगे, मैं वापस घर में आकर नमाज पढ़ लिया। उस बुजुर्ग ने उनसे कहा जो 30 साल की इबादत कर चुके थे, कहा कि ए बंदे जा पिछले 30 साल की नमाजों को फिर से रिपीट कर ले, दोहरा ले, इसलिए कि जो तूने नमाजें पढ़ी वो सिर्फ इसी नीयत से पढ़ी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तुझे इस बात का ख्याल नहीं है कि तू इबादत अल्लाह के लिए करता है, जा पिछले 30 साल की नमाजें याद कर ले, फिर से पलटा ले। अजीजाने गिरामी, इखलास एक बड़ी दौलत है, अल्लाह ताला अपने मखसूस बंदों को अता करता है। बात मैं यहां पर समेटता हूं कि इबलीस लईन आदम अलैहिस्सलाम को सजदा न किया, गुरूर और घमंड में अल्लाह तबारक व तआला से चैलेंज करके निकला, उसे अल्लाह ने टाइम दिया, वक्त दिया कयामत तक का, और वो बहकाता घूम रहा है अभी भी। हाँ बस रमज़ान में कैद हुआ है, रमज़ान में शयातीन को कैद किया गया, यह हदीस पाक से साबित है। अभी तो है नहीं, हमारी महफिल में भी नहीं है और अभी रमज़ान में कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अभी भी रोज़ा छोड़ते हैं, ये कौन से शैतान हैं, नमाज में नहीं आते फिर ये कौन है, इनको कौन सुलाता है, इनको कौन, शैतान का कोई खलीफा है, शैतान किसी को अपनी ड्यूटी दे करके गया है। यहां पर नफ्से अम्मारा है, वो हर एक के अंदर है, इंशाल्लाह फिर आगे कभी मैं अर्ज करूंगा, वो हर इंसान के पास है। जिस नफ्स ने शैतान को भी गुमराह किया था वो नफ्स तो हमारे पास है। नफ्स एक बहुत बहुत ही खतरनाक चीज है, इसी से लड़ने को मेरे आका ने जिहाद अकबर कहा। जो अपने नफ्स के खिलाफ लड़ाई करेगा वो जिहाद अकबर है, बड़ा जिहाद है। तो बहरहाल आदम अली सलात व तस्लीम की पैदाइश हुई और आपको वहाँ से जन्नत में रखा गया। अब यहाँ पर कुछ बातें मुझे अर्ज़ करनी है, वो यही है कि आदम अली सलाम को जब सारी चीज़ों के नाम बताए गए और सब कुछ इल्म दिया गया और फिर जन्नत में रखा गया, जन्नत कैसी है, वहाँ किसी चीज़ की कमी है, कोई चीज़ की कमी नहीं, सारी नियामतें हैं। लेकिन उसके बावजूद आदम अली सलाम को कुछ बेकरारी थी, क्यों, इसलिए कि इंसान जो है तनहा नहीं रहता, इंसान को कोई दूसरा इंसान चाहिए, उन्स से बना है इंसान, उन्स कहते हैं मोहब्बत को, इसके फितरत में है, ये खिंचाव दूसरे के साथ इसका खिंचाव है, लगाव है, दोस्त बनाता ही है, अकेला नहीं रहेगा इंसान। तो आदम अली सलाम को जो ये बेकरारी थी वो तनहा होने की, फिर एक दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी बाईं पसली से कुछ हिस्सा निकाला और उससे एक औरत को बनाया गया, वो हजरत हव्वा थी। हाँ इतनी बात मैं आपको बता दूं, आदम अली सलाम की पैदाइश वो किस जगह हुई अल्लाह बेहतर जाने, कोई तो जगह होगी, लेकिन औरत की पैदाइश तो जन्नत के अंदर हुई। कहाँ हुई है, जन्नत के अंदर हुई है।
हाँ जन्नत में पैदा हुई है औरत, ये उसका मकाम है और ये जन्नती चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें जो खूबसूरती रखी है औरत के अंदर, वो जन्नत की कशिश है। जब जवान, जब हजरत आदम अलैहि सलाम हजरत हव्वा को देखते हैं, आपको पता है हजरत हव्वा दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों में से एक है, सबसे खूबसूरत थी। आदम अलैहि सलाम उनकी तरफ हाथ बढ़ाने लगे, रब तआला का हुक्म हुआ, आदम तुम्हारे लिए हलाल नहीं, तुम उसका मेहर अदा करो, मेहर अदा करो। मेहर देना ये जन्नती कानून है, आज भी हमारे निकाह में मेहर रखा जाता है। आदम अलैहि सलाम ने अर्ज किया कि मौला मैं यहाँ किस चीज़ का मालिक हूँ, क्या चीज़ मेहर में दूँ? रब तबारक तआला ने फरमाया, आदम तुम्हारी औलाद में अखीर ज़माने में मेरा एक महबूब नबी पैदा होगा, जिसको आसमानों में अहमद, ज़मीनों में मोहम्मद कहा जाएगा। आदम तुम उस पर 20 बार दुरूद भेजो, ये हवा का मेहर हो जाएगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसको लिखा है। आप अंदाजा करो, हमारी माँ का मेहर दुरूद पाक है। हमारी माँ हमारे बाप के लिए हलाल हुई तो दुरूद के सदके में हलाल हुए, और जिसको दुरूद से चिढ़ है उसे सोचना चाहिए कि हलाल होने का तरीका आदम अलैहिस्सलाम के लिए हजरत हव्वा दुरूद रखा गया। दुरूद के मुनकिर तो कहाँ जाएगा, क्या अपने माँ बाप के बारे में शक करेगा? आदम अलैहिस्सलाम उसके बाद हजरत बीबी हव्वा को छूते हैं, दोनों मजे से रह रहे थे। कुरान में अल्लाह फरमाता, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नत फकुला मिन्हा हैथु शीतुमा। रब फरमाता है, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जो चाहे खाते रहो, जहां से मन करे खाओ, जन्नत में, जन्नत में घूमते रहो फिरते रहो, सारी चीजें तुम्हारे लिए अब हलाल है। लेकिन रब ने फरमाया था, वला तकरबा हादी शजरा, एक दरख्त है उसके करीब मत जाना, एक दरख्त है उसके करीब मत जाना, अल्लाह की तरफ से मना था। वो दरख्त के करीब जाने की ममानियत आई थी, तो हुआ क्या, इबलीस लईन जो बारगाह से मरदूद हो गया था, अब उसकी ड्यूटी हो गई थी कि आदम अलैहिस्सलाम को बहकाएं या फिर उनकी जुर्रियत के खिलाफ कुछ ना कुछ साजिशें करते रहे, उसकी ड्यूटी हो गई थी। उस वक्त तक वो फरिश्तों में भी जाता आता था, जन्नत के दरवाजे तक भी पहुंचता था। रिवायात ये बताती हैं कि एक दिन जन्नत के करीब वो गया, आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को बुलाया, कहा कि तुम्हें पता है उस दरख्त के करीब जाने से क्यों मना किया गया है? आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या बात है? कहा, उस दरख्त में एक फल है, अगर तुम खा लोगे ना, इल्ला अंतकुना मलकैनी औ तकुना मिनल खालिदीन, तुम या तो फरिश्ते बन जाओगे या हमेशा हमेशा जन्नती बन जाओगे। हाँ, अगर खा लिए तो हमेशा का हो जाएगा, पक्के हो जाओगे, इसलिए तुम्हें रोका गया है, खाने से रोका गया है कि तुम कंटिन्यू ना हो जाओ, यहाँ पे हमेशा के ना हो जाओ। आदम अलैहिस्सलाम उसकी बातों में नहीं आए, लेकिन अंदर आने के बाद हजरत हव्वा बार बार कहने लगी आदम अलैहिस्सलाम से कि एक बार फल खा के तो देखते हैं, खा करके तो देखते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मना किया, रब तबारक व तआला ने करीब जाने से मना किया है, वला तकरबा हादी शजरा। अब यहाँ पर शैतान ने एक लॉजिक सिखाई, मंतिक, हाँ करीब जाने से मना किया ना, दरख्त का फल खाने से थोड़ी ना मना किया। तो हजरत बीबी हव्वा ने फल तोड़ करके आदम अलैहिस्सलाम को भी पेश किया, खुद भी खाई। जैसे ही इन दोनों ने खाए, कुरान में अल्लाह फरमाता है, दोनों के कपड़े उतर गए, लिबास उतार लिया गया, पूरा का पूरा लिबास उतार लिया गया। जन्नत के कुछ दरख्तों के पत्तों से उन्होंने अपना जिस्म छुपाया, फिर फौरन हुक्म आया अल्लाह का, قال اهبطوا, उतर जाओ तुम सब के सब, तुम सब उतर जाओ जन्नत से, जमीन पर जाओ, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जिस चीज से रोका था तुमने वो खा लिया। आदम अलैहिस्सलाम को भी उतारा गया, बीबी हव्वा को भी उतारा गया।
जन्नत में और जिन्होंने इनका ताउन किया था सबको उतारा गया, ज़मीन पर भेज दिया गया। और फिर अलग अलग आदम अलैहिस्सलाम को सरंदीप पहाड़ पर जो श्रीलंका में है आज, हज़रत हव्वा को जिद्दा में सऊदी अरब में, इतना लंबा फासला। और पूरी भरी दुनिया में दो ही लोग हैं और एक उधर एक उधर। रब तबारक व तआला ने उतारा और फिर ये फरमाए एक मुद्दत तक तुमको ज़मीन में ठहरना है और फिर मेरी तरफ लौट करके आना है। आदम अली सलाम इस बात पर रोते रहे रोते रहे, बहुत रोए, तकरीबन 350 साल रोए। सबसे ज्यादा रोने वालों में आदम अली सलाम का नाम आता है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि आदम अली सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में यूं अर्ज किया कि जब मेरी आंख खुली थी, सबसे पहले हजरत आदम अली सलाम की रूह डाली गई, आंख खुली थी तो सबसे पहले आदम अली सलाम की नजर जिस चीज पे पड़ी थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ एक और नाम रखा था। आदम अली सलाम ने अल्लाह की बारगाह में यूं अर्ज किया कि मौला, जिसका नाम तू अपने नाम के साथ आसमानों में रखा उसके तुफैल मेरी तौबा कबूल फरमा। फौरन रब तबारक व तआला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, जाओ आदम की तौबा कबूल हुई, इसलिए कि महबूब का वसीला लिया गया। हाँ, इसीलिए हमारे इमाम बरेली के ताजदार फरमाते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ये इतना ही नहीं मेरे अजीजों, तुम्हें क्या खबर कयामत के दिन के बारे में भी आला हज़रत फरमाते हैं, खलील व नजी मसीह व सफ़ी सभी से कही कहीं न बनी। कयामत के दिन ये कौम कहाँ कहाँ जाएगी, सारे नबियों के पास जाएगी, सब क्या कहेंगे, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हाँ, हुजूर फरमाएंगे आओ मैं तुम्हारी सफ़ात के लिए हूँ। इसको आला हज़रत फरमाते हैं खलील व नजी मसीह व सफ़ी सभी से कही कहीं ना बनी, ये बेखबरी की खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, हज़रत आदम अली सलाम की तौबा कबूल हुई। उसके बाद आपको हुक्म हुआ हज पे जाने का, आप हज के लिए आए, काबा उस वक्त मौजूद था, काबा उस वक्त मौजूद था, फरिश्तों का तामीर किया हुआ था। आदम अली सलाम सफ़र करके गए हज के लिए। यहाँ से एक बात मैं अर्ज़ करता हूँ, दुनिया का पहला हज हिंदुस्तान की सरजमीन से हुआ। आदम अली सलाम इसी ज़मीन से गए, और हमारे लिए फख्र की बात यह है कि यह हिंदुस्तान हमारे बाप की ज़मीन है। हाँ, आदम अली सलाम बाप है कि नहीं है, हमारे बाप की जमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने बाप की जमीन पर कायम हैं, हाँ, किसी के बाप की नहीं है। और फख्र से रहो, खुशी से रहो, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर तुम्हें करार दिया। आदम अली सलाम जब वहां पहुंचे तो अरफात के मैदान में हजरत हव्वा से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद जिंदगी की इब्तिदा हुई, औलाद शुरू हुई आदम अली सलाम की, फिर नस्ल इंसानी का एक बहुत बड़ा सिलसिला शुरू हुआ। और उसी नस्ल इंसानी की बरकत है कि हम और आप जमीन पर आज मौजूद हैं, उसी आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल। एक और बात खास तौर पर अर्ज करना है, वो ये है कि आदम अलैहिस्सलाम कहां से उतारे गए थे, मैंने अभी आपके सामने अर्ज किया, कहां से उतारे गए थे, जन्नत से उतारे गए थे, जन्नत से उतारे गए, और जहां से आए हैं वहीं पर जाना चाहिए। इसीलिए कहा गया इंसान को कि तेरा असली वतन जन्नत है। तेरा असली वतन क्या है, जन्नत है। बच्चा जब माँ के पेट से पैदा होकर के दुनिया में आता है तो रोता आता है ना, देखा है ना आपने, रोते हुए आता है। क्यों रोते हुए आता है, बुजुर्गों ने फरमाया, खुद मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजु शरिया रहमतुल्लाह ताला तशरीह फरमाते थे कि बच्चा रोता हुआ इसलिए आता है कि उसका असली वतन छूट गया। कौन सा, जन्नत में थी हमारी रूहें, आने से पहले कहां थी, जन्नत में थी। असली वतन जब भी छूटता है तो रोता हुआ आता है। और इसीलिए शायर कहता है,
शायर क्या कहता है कि याददारी के वक्त ज़्यादा ने तो हमा खंदा बुदंद तू गिरियाँ, ए इंसान तुझे मालूम है जब तू पैदा हुआ था सब हंस रहे थे और तू रो रहा था, माँ भी हंस रही थी, बाप भी हंस रहा था, खुशी में सब पेड़े बांट रहे थे, जलेबियाँ बांट रहे थे, हैं सब खुश थे कि तू पैदा हो, लेकिन तुम क्या कर रहे थे, तुम तो रोते हुए आए थे। आ चुना जी के वक्ते मुर्दने तो हमा गिरियां बुदंद तू खंदा, शायर कहता है ए इंसान अब जिंदगी ऐसी गुजार कर जा कि जब तेरे जाने का वक्त हो तो सब रो रहे हो और तेरे लबों पे मुस्कुराहट हो, तो हंसता हुआ जा। कौन हंसता हुआ जाएगा, जिसे अपने वतन पर जाने का शौक हो, अपने असली वतन जाने का जिसे भी शौक होगा मौत के वक्त उसके लबों पे मुस्कुराहट होगी, और जिसे जहन्नम जाने का होगा खाक मुस्कुराएगा, खाक मुस्कुराएगा, वो तो मलकुल मौत की शक्ल देख करके लाल पीला हो चुका होगा। हाँ, इसीलिए जन्नत की ख्वाहिश भी रखो कि मेरा असली वतन है, और काम भी वही करो ताकि मरने के वक्त लाल पीले ना हो, लबों पर मुस्कुराहट हो। इसीलिए बहुतों को मरते वक्त मुस्कुराना ये हमारे इख्तियार में नहीं है। हाँ, तुम चाहोगे तो मुस्कुरा लेंगे, अभी हम बैठे हैं हंसने के लिए बोलूंगा तो पूरा फाड़ करके हंसेंगे, हो सकता है अभी इख्तियार है, लेकिन मौत के बिस्तर पर मियाँ किसी के इख्तियार में नहीं। हंसना उस वक्त तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, उस वक्त तो नजा का आलम ऐसा कि मक्खी भी बैठे तो पहाड़ के बराबर लगे, हंस कहां सकोगे। हाँ, बस वही हंसेगा जो जिंदगी भर जन्नत में जाने की तैयारी करता था और मौला उसे मौत से पहले जन्नत दिखा रहा हो और वो हंस रहा हो, बस वही हंसेगा, बाकी किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए मैं इसी पर गुफ्तगू खत्म करता हूं। हमारे बाप आदम अलैहि सलाम जन्नत से आए थे और फिर वो वापस जन्नत में ही जाएंगे। आदम अलैहि सलाम भी, नूह अलैहि सलाम भी, मूसा व ईसा भी, इब्राहिम व इस्माइल भी अलैहिस्सलाम, और खुद मेरे आका व मौला सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत ही में जाएंगे। तो हम जिनकी उम्मत हैं, हमारे लिए यही फर्ज है कि हम भी वहीं जाएं जहां हमारे रसूल जाएंगे, और जन्नत के काम शुरू करो, नेकियां करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, मरने से पहले मौला तौबा की तौफीक अता फरमाए, जन्नती आमाल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।